फ्रेंड्स, मेरे पास ये एक पेशेंट है। इस पिक्चर में देखिए, ये ग्रॉसली कैरियस है और यंग पेशेंट है। इसकी एज पेशेंट की लगभग 16-17 ईयर्स होगी। तो मेरे को जो पल्प चैम्बर है वो वाइड मिलने वाला है, तो मैं इसकी RCT करने जा रहा हूँ। मैं अपने क्लिनिक पे जो प्रोसेस अप्लाई करता हूँ, जो देखता हूँ, तो मेरे को सोचा कि मैं आप लोगों को शायद वो यूज़फुल हो सके, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि इस वीडियो के अंदर ज़्यादा कुछ मिस्टेक्स भी हों, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो मुझको ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, और ये भी बताएं नेक्स्ट वीडियो किस पे लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने पेशेंट के टूवर्ड्स चलते हैं। इस पेशेंट के अंदर मैं रबर डैम लगा के RCT करने का मैंने प्लान किया है। मैंने एक क्लैंप लगा लगा के देख रहा हूँ कि इसमें से कौन सा राइट फिटिंग का है। मेरे को 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए इसके अंदर जब हम क्लैंप लगा रहे हैं। पेशेंट को दर्द हो रहा था बक्कली, तो फिर मैंने थोड़ा सा इन्फिल्ट्रेशन दे दिया है। अब पेशेंट को ये बिल्कुल भी दर्द नहीं करेगा। और क्लैंप मैंने जब सेलेक्ट कर लिया, उसको रबर डैम पे लगा के इसको सेलेक्ट कर गया। मेरे को ये चेक जरूर करना चाहिए हमको कि जो ये क्लैंप है ये स्टेबल है, ये निकले नहीं जब ड्यूरिंग किसी भी प्रोसेस के दौरान। अब मैं ये रबर डैम्स की जो ये शीट है इसको बिलो द क्लैंप कर देता हूँ, जो विंग्स के, ताकि हमको आइसोलेशन मेंटेन हो सके। तो दोस्तों, ये आपको ये दांत अब क्लियरली अच्छे से देख ही रहा होगा। और अब पेशेंट को दर्द हो रहा था तो मैंने ये इंट्रा पल्पल इंजेक्शन भी दे रहा हूँ। लकीली ये था कि मेरा जो चैम्बर है वो ऑलरेडी ओपन ही था, तो मैं पहले डाल के देखा मैंने बरसे, और मुझे लगा कि इसमें कोई डेंटिन रिमेनिंग नहीं है। तो मैं अब अपना एंडोजेड बर उठा लिया है, जो हमारे को डीरूफ, प्रॉपर डीरूफ करने में मदद करेगा। आपने एक्स्ट्रा डेंटिन नहीं कट करना है, इस बात का आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि दांत ऑलरेडी केरियस है। आप देख सकते हैं कितना सारा उसमें, क्यों हमें एक्स्ट्रा डेंटिन नहीं करना है? अगर, क्योंकि एक्स्ट्रा डेंटिन भी कट कर दोगे तो दांत में कुछ नहीं बचना है और दांत टूट जाएगा। पहले मेरे को कैनाल दिख रही है, तो मैंने थोड़ी थोड़ी एक बार कैनाल को डाल के देख लिया फाइल से कि मेरे को कहाँ कहाँ मिल रही है। लेकिन मेरे को अभी ये नहीं दिख रहा है कि कहाँ पे डीरूफ हुआ या नहीं हुआ ब्लीडिंग के कारण। तो मैं थोड़ा इसी कैनाल को प्रिपेयर कर लेता हूँ ताकि हमारी जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए, और फिर मैं ये इसको अपने जो कैविटी है उसको रिफाइन करूँगा। मैंने 15 नंबर की फाइल सिर्फ इसलिए पिक कर रही है क्योंकि कैनाल ऑलरेडी वाइड थी, और मैंने एक नया पैक जो प्रोटेपर है उसमें से ये फाइल निकाली है। इसको SX फाइल कहते हैं, जो हमारी फर्स्ट फाइल है। दिस इज़ ओरिफिस ओपनर, या ओरिफिस को वाइड करेगा। इसके अंदर मैंने फुल लेंथ तक नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर, ताकि जो इनिशियल है पल्प चैम्बर में जो पल्प है वो रिमूव हो जाए, उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि मैं एक कैविटी को बेटर विजुअलाइज कर सकूँ। अब मैं हाइपो से इसको क्लीन कर देता हूँ। अब ये देखिए, जैसे ही मैंने थोड़ा सा ओरिफिस को क्लीन किया, ब्लीडिंग इज़ गॉन। नाउ आई कैन बेटर विजुअलाइज चैम्बर। अब मैं इसको बेटर विजुअलाइज कर पा रहा हूँ, तो अब मैं इसको ठीक से रिफाइन करूँगा कि ताकि मेरे को प्रॉपर कैनाल्स दिख सकें, कोई एक्स्ट्रा कैनाल है नहीं है, और ये सारी चीज़ें पता लग सके। एक अप्रोक्सीमेट मैं वर्किंग लेंथ भी ले रहा हूँ। मैंने रबर डैम की शीट हटा के एक वर्किंग लेंथ ले लेते हैं इसकी, कि मेरे अप्रोक्स लेंथ क्या है। हमेशा अप्रोक्स लेंथ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि आपको फाइल इनिशियली कितने mm तक डालनी है। सपोज़ वर्किंग लेंथ है आपकी 18 mm, आपने इनिशियली डाल दी 20 mm, तो आपने जो अपाइकल फोरामेन है उसको काफ़ी वाइड कर दोगे। ऐसा नहीं करना आपने। तो मैंने एक मीजियल में डाल के वर्किंग लेंथ ले ली और एक डिस्टल में डाल के, और अब मैं इसको कैविटी को क्लीन करूँगा और इसको जो कैविटी है हमारी, जो SS प्रिपरेशन है, उसको रिफाइन करूँगा। आप देख सकते हैं मैं राउंड बर से कैसे डी रूफ कर रहा हूँ। और आपको एक्स्ट्रा कुछ भी कट नहीं करना है। एक्स्ट्रा कट इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर टूथ। ये कस्प काफ़ी स्टीप हैं, जो मेरे को जब मैंने फर्स्ट बार फाइल डाली तो स्टॉपर को प्लेस करने में दिक्कत कर रहे थे, तो मैं इसको फ्लैट कर देता हूँ ताकि मैं स्टॉपर का एक स्टेबल रेफरेंस पॉइंट ले सकूँ। ये रेफरेंस पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर ये आपका स्टॉपर फाइल का हिलता रहेगा तो आप करेक्ट वर्किंग लेंथ नहीं ले पाओगे। तो अगेन आई विल इरीगेट विद हाइपो, एंड फिर अब हम अपनी BMP स्टार्ट करेंगे। अब मैंने वर्किंग लेंथ के मेज़र कर लिया है, और अब मैं अपनी फर्स्ट फाइल इंसर्ट करता हूँ।
तो ये मेरी फर्स्ट S1 फाइल है SX के बाद। प्रोटेपर के अंदर कैसे करना है, पहले SX फिर S1 फिर S2 फिर F1, इस तरीके से सीक्वेंस में ही हमने चलना है। तो ये SX फाइल से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ वर्किंग लेंथ तक। और आप ये देखिएगा कि मैं हमेशा एक डायरेक्शन में कभी भी फाइल नहीं डालता, और हमेशा जो वॉल्स हैं उनको ब्रशिंग मोशन के अंदर करता हूँ, ताकि जो वॉल्स के ऊपर का जो पल्प चिपका है वो सारा का सारा रिमूव हो जाए ना। अब फिर जब भी आपने फाइल निकालनी है तो आपने इरिगेट करना है हाइपो से। हाइपो जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आपका सक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप रबर डैम नहीं लगा रखा है तो आपने सक्शन के साथ ही लेना है, नहीं तो हाइपो से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ये मेरी जो वाइट वाली यानी ये S2 फाइल है, ये S1 और S2 हमारी मिडल फ्लेयरिंग करती हैं, ताकि पहले SX ने हमारी कोरोनल फ्लेयरिंग करी, S1 और S2 ने मिडल फ्लेयरिंग करी। थोड़ा बहुत अपाइकल भी प्रिपेयर करती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अपाइकल प्रिपरेशन का काम वो F सीरीज़ का है, यानी F1 F2 F3 F4 F5। अब देखिए कि मैंने जैसे जैसे करते हैं तो ओरिफिस भी काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं। S2 के बाद मैं वर्किंग लेंथ एपेक्स लोकेटर से कन्फर्म करना पसंद करता हूँ। वैसे एपेक्स लोकेटर मेन वर्किंग लेंथ का मेथड है, आप हमेशा याद रखिए। एपेक्स लोकेटर के अंदर माइनस की रीडिंग देखनी ज़रूरी है। एक बार पहले माइनस में आपको जो फाइल है वो बाहर निकालनी है, ताकि माइनस में रीडिंग आए, फिर स्लोली स्लोली रिट्रीव करनी है ताकि पॉजिटिव की रीडिंग आ सके। मैं एपेक्स से 0.5 mm रखना, शॉर्ट रखना पसंद करता हूँ। तो जब तक अगर आपकी माइनस की रीडिंग नहीं आ रही और आपकी फाइल अप एंड डाउन से इसकी रीडिंग चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब एपेक्स लोकेटर ठीक वर्क नहीं कर रहा है। अब क्योंकि कैनाल वाइड थी तो मैंने 15 नंबर से ही इसमें एपेक्स लोकेटर से रीडिंग ली थी, नहीं तो 10 नंबर इज़ जनरली गुड फाइल। अब मैंने अपनी कन्फर्म कर लिया वर्किंग लेंथ, तो अब मैं अपनी F1 फाइल से मीजिल कैनाल्स को फिनिश कर रहा हूँ। अब डिस्टल कैनाल के अंदर मीजल हमने F1 फाइल से उसको पल्प को सारा ख़त्म कर रहे हैं, उसको सारा कट कर रहे हैं, सारी क्लीन कर रहे हैं हम। नाउ अगेन इरिगेट। थोड़ा बहुत आप, मैंने F2 यूज़ कर रहा हूँ मैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर, क्योंकि हमारी जो कैनाल है वो वाइड है, पेशेंट यंग है, तो इसलिए मैंने F2 भी यूज़ किया, और डिस्टल के अंदर F3 यूज़ कर रहा हूँ। और हमेशा सारी वॉल्स के अलोंग करके देखिए, F3 यूज़ कर भी रहा हूँ, F2 तक कर चुका हूँ, कितनी वाइड फाइल होती है, कितनी मोटी फाइल होती है, उसके बावजूद मेरे को पल्प का डेब्रिस मिल रहा है। ये सारे के सारे हमने अच्छे से रिमूव करने हैं। अगर हमारा पल्प रिमेनिंग हो जाएगा तो हमारी RCT फेल हो सकती है। हम हमारी BMP ख़त्म करने के बाद अब मैंने स्टॉपर से अगेन मेजर किया है हाइपो को और अपाइकल 1/3 को, अब अच्छे से इरिगेशन करनी है। अब हमने शेपिंग तो कर ली अपनी फाइलों से, लेकिन अब क्लीनिंग का पार्ट बचा है। एक अच्छी RCT के अंदर इरिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब मैंने हाइपो से उसको मेज़र कर लिया था, हाइपो की अपाइकल 1/3 तक हमारी टिप गई है। अब ये मेरे पास सोनिक एंडो एक्टिवेटर है, अब मैं इसको हाइपो को एक्टिवेट करूँगा। इसको आपने 30 सेकेंड के लिए हर कैनाल में यूज़ करना है, एक बार हाइपो डाल के, फिर 30 सेकेंड के बाद फिर दोबारा से उसमें हाइपो को रिफ़िल करोगे, फिर एक्टिवेटर यूज़ करोगे, फिर रिफ़िल करोगे हाइपो को, फिर एक्टिवेटर यूज़ करोगे, ऐसे 4 टाइम्स आपने मिनिमम करना है। और आपने ये याद रखना है कि हाइपो एक्सीडेंटली भी पेरियापाइकली ना जाए, अगर जाएगा तो वो इरिटेशन कॉज करेगा और दिक्कत पेशेंट को हो सकती है बाद में। ये हमारा फ्लशिंग एक्शन करता है, उसको एक्टिवेट करता है हाइपो को, ताकि वो अच्छे से एक्ट कर सके। और उसके बाद आपने नॉर्मल सलाइन से इसको वॉश कर लेना है, आपने कोई भी हाइपो का रेमिनेंट नहीं ढूंढना है। अब मैं इसके अंदर वर्किंग लेंथ एक्सरे लूँगा कि ये चेक करने के लिए कि मेरा जो GP है वो वर्किंग लेंथ तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, टग बैक आ रहा है या नहीं आ रहा, और सही से आ रहा है या नहीं आ रहा। आपको ये इम्पोर्टेंट है कि आप जो का मास्टर कोन एक्सरे है वो ज़रूर लो। अब ये मास्टर कोन एक्सरे से मैंने चेक कर लिया, एंड जो भी मेरे को कमी लग रही थी वो मैंने उसको चूज कर लिया।
फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर वार्म ऑब्जर्वेशन करने वाला हूँ, तो मैं अपने जो इसके अंदर प्लगर्स हैं वो उनको ये देख रहा हूँ कि मेरी कैनाल के अंदर सही से फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मैं इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करके रख रहा हूँ उसके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वार्म ऑब्जर्वेशन टेक्निक के लिए। अब मैंने वो चेक करने के बाद अब मैं पेपर पॉइंट से कैनाल को अच्छे से ड्राई कर लेता हूँ। आपने याद रखना है कि जब तक पेपर पॉइंट को डालना है जब तक पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाए। थोड़ा सा ब्लड मेरा लग के आया, यानी मेरा जो पेपर पॉइंट है ये पेरियापाइकली ट्रांसफ़र हो रहा है। अब एक बार अच्छे से ड्राई करने के बाद हम अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे। ऑब्जर्वेशन के अंदर स्टार्ट करने से पहले मैंने थोड़ा सा सीलर लगाया और इसको कैनाल के अंदर डाल दिया। अब मैं जो अपना वार्म ऑब्जर्वेशन से है, पहले मैं इसको हीट अप करूँगा। मेरी जो ये टिप है ये हीट हो जाएगी और फिर देन हम इसको कट कर देंगे मिडल वन थर्ड से, यानी अपाइकल 4 mm को छोड़ के बाकी सारा जीपी निकाल लेंगे। और इससे क्या होगा कि ये गर्म होता है तो हमारा जो जीपी है वो सारी लेटरल कैनाल्स और सारे स्पेस को फिल कर देगा। और अब मैं प्लगर से उसको पैक भी कर दिया। ऐसे ही सेकेंड कैनाल के अंदर भी मैं इस लास्ट का 4-5 mm छोड़ के बाकी सारा जीपी इसको कट कर दूंगा। अब हमारी डिस्टल जो बहुत वाइड है कैनाल, तो हमारा जीपी भी वाइड है, हमने कट करके इसको काफ़ी मोटा बना रखा है, तो अगेन 4-5 mm छोड़ के हमने इसको कट कर दिया। अब जो ये बाकी जो स्पेस भरा है इसको हम बैकफिल गन से इसको भर देंगे। अब ये मेरी बैकफिल गन है, इसके अंदर बाकी जो स्पेस है मिडल वन थर्ड का और कोरोनल वन थर्ड कैनाल का, इसको हम इससे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद हम इसको प्लगर से अच्छे से पैक कर देंगे। याद रखना आरसीटी के अंदर हमेशा जो पहला जो अपाइकल वन थर्ड है वो ज़्यादा मैटर करता है। अपाइकल वन थर्ड की क्लीनिंग कैसी करी है आपने, आपने उसकी इरिगेशन कैसी करी है और उसकी ऑब्जर्वेशन कैसी है, इसी बात के ऊपर जो हमारा टूथ की जो लाइफ है इसी बात पर डिपेंड करती है। एंड फाइनली मैं एक्सरे लेके इसको चेक कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कैसा दांत था और हमने कैसे कैसे इस दांत की सारी आरसीटी के स्टेप्स फॉलो करें। आशा करता हूँ आपको कुछ नई चीज़ें बता पाया हूँगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे आरसीटी सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोज़। थैंक यू।